which include thinner mid kappa space and boron space of peronon, right? स्पेसिस ऑफ द हैंड में क्या क्या आएगा? सुपरफिशियल पल्स स्पेसिस ऑफ द फिंगर्स, सिनोवियल चीज ऑफ द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर्स, अंडर बर्सा, रेडियल बर्सा, मिड पामर स्पेस और थिनर स्पेस। फिर मिड पामर और थिनर स्पेस का जो डिफरेंस है वो भी आपकी बुक में टेबुलेटेड है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिस ऑफ द हैंड्स आर ऑफ प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि हैंड का यूज़ बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होता है हमारी थम एंड इंडेक्स फिंगर का, लाइक स्विंग, पिकिंग द थिंग। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ प्रिकिंग हो जाती है, चुभ जाती है, तो जो हमारी फिंगर है उसमें टाइट कंपार्टमेंट्स हैं सब फिंगर में, लेकिन इंडेक्स में मोस्टली ज़्यादा होता है कि इसमें वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है इन्फेक्शन होने की, और उसमें फिर पस पड़ जाएगी, और क्योंकि टाइट कंपार्टमेंट है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो दैट कैन लीड्स टू इन्फेक्शन, पस फॉर्मेशन, एब्सेस। और फिर ये कि अगर इसको हम प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स या से ट्रीट ना करें तो इवन सर्जरी की नौबत आ जाती है, और अगर उससे भी अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है तो दैट इन्फेक्शन कैन लीड टू इन्फेक्शन इन दी स्पेसिस एंड इन्फेक्शन इन द फोरआर्म स्पेस ऑफ द पेरोना, और बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाता है, और दैट कैन लीड टू सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें इंसीजन दिए जाते हैं, तभी एब्सेस की ड्रेनिंग होती है। बुकलेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स को इस प्रॉप में क्वेश्चन पूछेगा, उनको नहीं आ रहे थे, मैडम बहुत डिसअपॉइंट हुई हैं, और आपने इसको बहुत तवज्जो से पढ़ना है, और एंड में हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्पेसिस ऑफ द हैंड आर ऑफ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज दे मे बिकम इन्फेक्टेड एंड इन कॉन्सिक्वेंस बिकम डिस्टेंडेड विद पस, और स्पेसिस यही है सुपरफिशियल पल्प स्पेसिस ऑफ द फिंगर, पल्प का मतलब है टिप ऑफ द फिंगर, जहाँ हमारा नेल स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमारे पामर सरफेस पे जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उसको पल्प कहते हैं, पल्प स्पेस, और वहाँ वो टेक्टाइल टिश्यू भी होता है जिससे हमें मुख्तलिफ जो सेंसेशन है वो फील होती हैं। इसके अलावा जो टेंड लॉन्ग टेंडन जा रहे हैं आपने पढ़ा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस, और उनके जो टेंडन है उनकी इंसर्शन का भी आपको आइडिया होगा, क्योंकि आप फ्लेक्सर कंपार्टमेंट जो फोर आर्म का है वो पढ़ चुके हैं, तो वो कहाँ पे जाके इंसर्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी मुख्तलिफ चीज़ हैं। इसके अलावा अल्नर बर्सा है जो कि मीडियल साइड पे है, रेडियल बर्सा है जो कि थंब वाली साइड पे है, मिड पामर स्पेस है, और थिनर स्पेस है जो कि थिनर साइड पे है, ठीक है, ये आपको आइडिया है। पल्स स्पेस ऑफ द फिंगर जो है ये क्लोज फेशियल कंपार्टमेंट्स हैं, और ये प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल फेलिंग्स ऑफ ईच फिंगर, ठीक है। ये सारी जो हमारी फिंगर्स हैं उनकी जो एंड वाली बिल्कुल लास्ट टर्मिनल डिस्टेंट फेलिंग्स हैं वहाँ पे ये पड़ी होती हैं, और इसमें सेप्टाज आ रहे हैं, फाइब्रस सेप्टा, स्किन है ना डर्मिस है ऊपर हमारी पड़ी हुई, उसमें से फाइब्रस सेप्टा अप टू द फेलिंग्स या जो बोन है हमारी टर्मिनल फेलिंग्स की वहाँ तक जा रहे हैं, और इसकी वजह से जो डिस्टल 3/4 है उसका डायफिसिस का उसको वो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं, जो प्रॉक्सिमल 1/5 पार्ट है या प्रॉक्सिमल पार्ट है उसमें सेप्टाज नहीं होते, और यहाँ पे जो डिजिटल वेसल्स हमारी जा रही हैं और नर्व जा रही हैं उनकी ब्रांचेज जा रही हैं, और हर कंपार्टमेंट में ब्रांच वर्टिकली जा रही है, ये मैं अभी मैं दिखाऊंगी भी सही। इस स्पेस इज सब डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉलर कंपोनेंट बाय फाइब्रस सेप्टा। अब इसका एक फायदा ये है सेप्टा जा रहे हैं कि जो भी स्पॉट्स या इन्फेक्शन होगी दैट विल बी लोकलाइज टू द कंसर्न स्पेस, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ सच ए स्पेस इज कॉमन एंड सीरियस, कॉमनली अकरिंग इन द थंब एंड इंडेक्स फिंगर ड्यू टू इट्स मैक्सिमम यूजेज। फिर बैक्टीरिया जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं स्पेस बाय पिन प्रिक और स्विंग नीडल्स, क्योंकि फीमेल्स में ये वाला काम ज़्यादा होता है या जो वर्कर ये काम कर रहे हैं उनमें होता है, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये हमारी टर्मिनल फेलिंग्स है, और उसमें ये देखें डर्मिस जो है यहाँ से ये सारे सेप्टा जा रहे हैं, बीच में ये टिश्यू पड़ा हुआ है, राइट, ये सेप्टा जा रहे हैं, ठीक है। राइट, यस मैम, राइट। और ये वाला जो पार्ट है हमारा 1/5 ये स्पेयर हो जाएगा, ठीक है, कि इसमें फाइब्रस सेप्टा नहीं है, बाकी सारा फाइब्रस सेप्टा जो है यहाँ से और इनमें ये इनका टिश्यू पड़ा हुआ है, राइट।
There is accumulation of inflammatory exudate within these compartments and causes the pressure in the जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दे, बहुत शोर आ रहे हैं, राइट? एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट विद इन दीज कंपार्टमेंट कॉजेस द प्रेशर, क्योंकि छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं तो थोड़ा सा भी अब एक्सुडेट जब कलेक्ट होगा तो देर विल बी प्रेशर ऑन द अंडरलाइंग वेसल एंड नर्व एंड देर इज ड्यू टू दिस इंक्रीज प्रेशर देर इज कंप्रेशन ऑफ द वेसल and there might be at the end there is necrosis of the distal 4/5 part of the short parts of the finger and even the bony part of this distal phalanx, right? That causes pressure in the pulp phase to quickly rise, or in children pressure on the blood vessel could result in necrosis of the diaphragm. बच्चों में अर्ली होगी और जो एडल्ट हैं उनमें थोड़ा लेटर हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है अगर इसको एंटीबायोटिक पेन किलर या अगर सर्जिकल इंटरवेंशन चाहिए और उससे लैटरल इंसीजन देके इसको रिलीव ना किया जाए, राइट? अब ये है कि जो यहाँ पे डिजिट जो हमारे आपको पता है लॉन्गर टेंडन जा रहे हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस तो जाके ही टर्मिनल फेलिंग के बिल्कुल एंड पे लगता है, तो वो उनकी जो सिनोवियल शीथ है वो भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, इवन हमारी स्पेसिस इन्वॉल्व हो जाएंगी और फोर आर्म में जो हमारी स्पेस पड़ी हुई अगर ये बिल्कुल प्रॉक्सिमली रन कर जाता है तो वहां तक ये चला जाएगा इन्फेक्शन अगर निगलेक्ट किया जाए। क्लोज रिलेशनशिप ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द पल्स फेस टू द डिजिटल सिनोवियल शीथ। अब दो तरह की शीथ हैं, एक तो जो हमारी डिजिट्स हैं वहां जो बोनी पार्ट्स हैं उनकी साइड्स पे सिनोवियल शीथ लगी हुई है, और दूसरा जो हमारे लॉन्गर टेंडन जा रहे हैं उनकी सिनोवियल शीथ है। इसको आपने मिक्स नहीं करना, लॉन्ग टेंडन शीथ भी है और डिजिटल सिनोवियल शीथ भी, वो अलग है। डिजिटल सिनोवियल शीथ डायरेक्ट बोन के साथ है और जो सिनोवियल शीथ है टेंडन की, लॉन्ग टेंडन की, जिसमें मोस्टली सेकंड थर्ड फोर्थ का आता है और फिफ्थ का और फर्स्ट का भी आता है, लेकिन उधर रेडियल और ना बरसा जो है ना वो उसके साथ इंटरमिंगल हो जाता है, ठीक है? क्लोज रिलेशनशिप ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द पल्स फेस टू द डिजिटल सिनोवियल शीथ अकाउंट्स फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द शीथ इन इन्फेक्शियस प्रोसेस व्हेन द पल्स फेस इन्फेक्शन हैज बीन निगलेक्टेड। अगर इसको इंटरवीन ना किया जाए तो ये हो सकती है। अब ये देखें, ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो मैं दिखा रही थी आपको, ये इसका हमारा डॉर्सम है, ये हमारा पामर एस्पेक्ट है, ठीक है? और यहाँ से स्किन से डर्मिस से, माइक प्लीज बंद करें मैम, स्लाइड नहीं शो हो रही। यहाँ से डर्मिस से फाइब्रस सेप्टा जो है वो जाएंगे ऊपर, ठीक है? फाइब्रस सेप्टा जाएंगे और स्मॉलर कंपार्टमेंट बन जाएंगे। यहाँ आप देखिए 4/5 में सेप्टा है और जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये डिस्टल फेलिंग्स का, यहाँ पे इस तरह के सेप्टा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लड वेसल डायरेक्ट जा रही होती है और अगर नेक्रोसिस होती है या पस ये बनती है तो 4/5 डिस्टल जाएगा। प्रॉक्सिमल जो फर्स्ट वो जो पार्ट है डिस्टल फेलिंग्स का, टर्मिनल फेलिंग्स का, वो नेक्रोज नहीं होगा, वो बच जाएगा क्योंकि यहाँ कंपार्टमेंट्स नहीं है, राइट? अब यहीं पे जो टिश्यू है, अब ये देखिए ये नॉर्मल कलर का है और ये रेड कलर का इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन हो चुकी है, राइट? ये नॉर्मल है, ये तो बोन नहीं है, बोन ये है हमारी और ये नॉर्मल हमारा टिश्यू है, ठीक है? और ये वाला जो है घर अंदर थोड़ा सा फैटी टिश्यू ही होता है ना, सॉफ्ट होती है ये जो पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे रेड इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है और पस कलेक्शन हो गई है, राइट? अब जब इन्फेक्शन हो गई है पल्स फेस में, उसमें दो हैं, या तो वो अंदर ही रह जाएगी या जो हमारे जो नेल की साइड्स हैं पेरोनेकिया बना के, इन्फ्लेमेशन जो नेल की होती है उसको पेरोनेकिया कहते हैं, तो वहाँ पे साइड से ये ऊज आउट हो जाएगी, राइट? अगर ऊज आउट हो जाए और आप एंटीबायोटिक और पेन किलर देते हैं तो इस तरह की इसमें प्रेजेंटेशन आएगी, राइट? स्टार्ट में, ठीक है? अब इसमें दो होती हैं जो पस फॉर्मेशन की, दो फॉर्म है, एक फिलोन है और एक विट्लो है, ठीक है? विटलो जो है वो वायरल इन्फेक्शन है और पीलोन जो है दैट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ये ज्यादा आजकल जो है क्लिनिकल एंटिटी ज्यादा है क्योंकि इसमें हैंडलिंग फोर आर्म और इसमें हैंडलिंग जाहिर ज्यादा हो रही होती है, सारा काम अपने हाथों से करना है तो उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं।
Pilonja egg closely spares infection of the fingertip pulp, usually with staphylococci and streptococci. ठीक है, most common site is the distal pulp. वही बात जो मैंने पहले बताई है, may be involved centrally, laterally और apically. जहाँ पे भी prick होगी, जिस जगह भी, तो ये infection हो जाएगी. Septa between pulp faces ordinarily limit the spread of the infection, resulting in an abscess. क्योंकि छोटा compartment है, थोड़ी सी भी infection होगी, pus होगी, तो फौरन ही प्रेशर क्रिएट हो जाएगी और बहुत ज्यादा टेंडर और पेनफुल होता है कि ये सेंसिटिव जगह है, क्रिएट प्रेशर एंड नेक्रोसिस. अगर देखें ऊपर आ जाता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, नीचे जाता है पेन और प्रेशर तो होगा, लेकिन वो बोन को इरोड करेगा एंड देयर विल बी नेक्रोसिस ऑफ द बोन एंड एडजेसेंट टिश्यूज. राइट, अंडरलाइन बोन ज्वाइंट और फ्लेक्सर टेंडन मे बिकम इन्फेक्टेड. ठीक है, पहले ऊपर होगा तो स्किन पे, फिर सबकुटेनियस टिश्यू को करेगा, फिर उसके बाद टेंडन आ जाएंगे, उसके बाद जो है वो जॉइंट, फिर उसकी बोन, लिगामेंट्स वगैरह हर चीज को ये इन्वॉल्व कर लेगा, इरेट कर लेगा, इन्फेक्टेड हो जाएंगे, टेंडर एंड पेनफुल हो जाएंगे. देयर इज इंटेंस थ्रॉबिंग पेन, जो एकदम होता है कि जैसे कोई प्रिकिंग पेन है या सुइयां चुभ रही हैं, इस तरह का थ्रॉबिंग पेन होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, एंड अ स्वोलन वार्म एक्सट्रीमली टेंडर पल्प. ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ड्रॉप इंसियन एंड ड्रेनेज एंड ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी. अब इसमें इंसियन जो है वो मोस्टली लेटरली दिया जाता है ताकि सारे कंपार्टमेंट्स ओपन हो जाएंगे और आप प्रेस करेंगे या कोई बैंडेज करते हैं तो उससे जो है वो ड्रेनेज हो जाएगी उसकी पस की, और साथ एंटीबायोटिक एंड पेन किलर वो आपने इंजेक्टेबल देने हैं या ओरली देने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन. अब ये विटलो है, ये दो चीज़ें हैं. Pilon is bacterial infection and Whitlow is an infection of the pulp face of the finger, usually caused by herpes simplex type 1 virus. इसको herpetic Whitlow भी कहते हैं. ठीक है, और इसमें treatment क्या हो जाएगा कि इसमें देखें pulp पे नहीं है, इसमें जो nail है उसके नीचे dorsum पे ये हुआ हुआ है, और even अगर उसने नेल बेड को यूज किया भी है तो इधर इसकी प्रेजेंटेशन होगी और उसकी वजह से साइड पे इसका इन्फेक्शन हो रहा है, ना कि पिन प्रिक या स्विंग या इस तरह की हिस्ट्री होगी. और पाम मोस्टली इन्वॉल्व नहीं होता, ये जो डॉर्सम वाली साइड है और जो नेल बेड है, और ये देखें डॉर्सम पे अब ये वो चीयर ऑफ पियर ऑफ हो गया, तो ये देखें इस तरह की स्ट्रक्चर बनी. तो इसमें क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, इसमें एंटी वायरल और साथ में आप अगर सुपर एडिड इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं अलॉन्ग विद एनल्जेसिक, और ये ट्रीट हो जाएगा 7 to 10 days में ये ट्रीट हो जाता है. अब ये आप देखेंगे, अब आपके टेंडन हैं, राइट, इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और के टेंडन हैं. ठीक है, जो इधर एंड तक जाएगा वो कौन सा होगा, प्रोफंडस, और जो इधर हमारी मिडल फेलिंग की साइड पे लग जाता है वो है ये सुपरफिशियलिस होगा, और प्रोफंडस जाएगा टर्मिनल फेलिंग पे. ये फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस है, इसको साइड पे था नोबिल शीथ पे एनक्लोज किया हुआ है. ठीक है, और ये वाली जो है ये नीचे जाके ये कॉमन था नोबिल शीथ होती है, इसको कहते हैं हम, ये अल्नर साइड पे अल्नर बर्सा है जो फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस को एनक्लोज कर रही है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म अल्नर बर्सा. और ये फिर नीचे जब डिजिट्स में जाता है तो ये डिजिटल साइनोवियल शीथ जो हमारी है तो उसके साथ भी ये डिजिटल साइनोवियल शीथ जो है ना उसके साथ भी ये कॉमन शीथ बना देता है. राइट, अब हम इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं. कॉमन साइनोवियल शीथ फॉर द फ्लेक्सर टेंडन इज द साइनोवियल शीथ इन द कार्पल टनल. ये तो आपने देखा होगा कि फ्लेक्सर रेटिनेकुलम जब एनक्लोज करता है लोअर पार्ट ऑफ फोर आर्म को, तो वो जो हमारी नीचे से जो वो पास करती है टनल, उसको हम क्या कहते हैं, कार्पल टनल. ठीक है, फिर जब इसमें प्रेगनेंसी में, मिक्स एडिमा में, या जो भी फ्लूड रिटेंशन वाली कंडीशंस होती हैं उसमें, इसमें जब इसकी जो क्लिनिकल बनता है वो बन जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम. जिसमें मीडियनल कंप्रेशन होती है और फिर मीडियन नर्व के जो सारे सिम्टम्स है वो आ जाएंगे. ठीक है, तो ये फ्लेक्सर टेंडन उधर से गुजर के आ रहे हैं, वहाँ पे शीथ उनको इनक्लोज कर रही है कार्पल टनल में. अब इसमें कौन से हमारे लॉन्ग टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस आ रहे हैं. पॉलिसिस इसमें से पास नहीं करता, वो साइड पे होता है. ठीक है, और शीथ जो है जब इनको क्लोज करती है तो वो फिर जाके थोड़ा सी उसकी एक्सटेंशन है फोर आर्म में, फोर आर्म पे तो पेरोना के साथ भी वो कंटिन्यू करती है.
और नीचे जो हमारी मेटाकार्पल्स हैं वहाँ भी जाती है, ठीक है, और फिर जो मुख्तलिफ टेंडन्स हैं उनके साथ ये ब्लेंड हो जाती है, ठीक, और लिटिल फिंगर पे ये जाके तो फिर उनके जो टेंडन है उनके साथ भी ये इंक्लूड करेगी और वर्षा के साथ कम्युनिकेट कर देगी। इस तरह फ्लेक्सर पोलिसिस वाली साइड पे जब आएगा तो वो रेडियल वर्षा बन जाएगा, ठीक है। कार्पल टनल में तो जब पास करेंगे लॉन्ग टेंडन, टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियले देन प्रोफंडस नॉर्थ द फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गर फीस अराउंड द फ्लेक्सर डिजिटोरम एक्सटेंड डाउनवर्ड्स नीचे अबाउट हाफ वे लॉन्ग द मेटाकार्पल बोन। मेटाकार्पल बोन का जो मिड शाफ्ट है वहां तक जाती है, वेयर इट एंड इन ब्लाइंड डाइवर्टिकुला अराउंड द टेंडन टू द इंडेक्स मिडल एंड रिंग फिंगर्स, ठीक है, और फिर जो हमारी लिटिल फिंगर है उधर ये प्रोलॉन्ग कर जाएगी। इट इज प्रोलॉन्ग ऑन द टेंडन टू अ लिटिल फिंगर एंड यूजुअली कम्युनिकेट विद द म्यूकस शीथ ऑफ दिस टेंडन, ठीक है। बाकी हम ये देखेंगे इंडेक्स मिडल और जो हमारी रिंग फिंगर है उधर ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे ये हमारे प्रोलॉन्ग करके ये अंदर वर्षा बना रही है और फ्लेक्सर पॉलिसिस पे ये है इंडिपेंडेंट सेपरेट, लेकिन यहाँ पे ये रेडियल वर्षा बना देगी, ठीक है, और के साथ कम्युनिकेट करेगी। इस वक्त वो शीत है फ्लेक्सर पॉलिसिस की, राइट। अब इसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, टेंडन है और उनकी साइनोवियल शीत है, तो इससे क्या हो जाएगा, टीनोसाइनोवाइटिस। टीनोसाइनोवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द फ्लूइड फील्ड शीत फॉर द साइनोवियम दैट साइनोवियम दैट सराउंड द टेंडन। अब आइटस है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें स्वेलिंग होगी, पेन होगी, रेडनेस होगी, क्योंकि क्लोज स्मॉलर कंपार्टमेंट है तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ द टीनोसाइनोवाइटिस इंक्लूड पेन, स्वेलिंग एंड डिफिकल्टी मूविंग द पर्टिकुलर जॉइंट देन द इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब ये आप देखें, ये और ना टेंडन दिखा रहे हैं कि किस तरह से बनता है। अब टेंडन को उन्होंने क्रॉस सेक्शन किया, बीच में ये टेंडन पड़ा हुआ है और बाहर ये चीत है, और ये रेड किस लिए हुई हुई है, इसमें इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है। एक टेंडन उन्होंने क्रॉस सेक्शन करके आपको दिखाया ताकि आइडिया हो जाए, ठीक है। अब ये देखें, इसी तरह से ये जो हमारे टेंडन है एक्सटेंसर टेंडन है, ये टेंडन हो जाए, ये इसका एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का, उसकी भी इसी तरह से टीनोसाइनोवियम है, ठीक है, और ये हमारा एक्सटेंसर रेटिनेकुलर पड़ा हुआ, यानी कि ये फ्लेक्सर एस्पेक्ट पे भी हो सकता है और एक्सटेंसर एस्पेक्ट पे भी हो सकता है। अब ये टीनोसाइनोवाइटिस होगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मोस्टली ये किस फिंगर में आता है, हमारी रिंग फिंगर में। कंडीशन कॉजेस द फिंगर टू स्टिक इन फ्लेक्स पोजीशन में हो जाएगी, जो हम उसका प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है और जो डिस्टल फेलिंग्स की जो ज्वाइंट्स हैं वो फ्लेक्स हो जाएंगे, लेकिन जो टर्मिनल फेलिंग्स वाला इंटरफेलिंजियल ज्वाइंट है दैट इज अनअफेक्टेड। इसमें क्या हो जाएगा, फ्लैट फिंगर हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक हो जाती है, उसको ट्रिगर फिंगर कहते हैं। कंडीशन कॉजेस अ फिंगर टू स्टिक इन अ फ्लेक्स पोजीशन, दिस इज कॉल्ड स्टीनोजिंग टीनोसाइनोवाइटिस, कॉमनली नोन एज ट्रिगर फिंगर। अब जब अगर आप देखें इसको आप ट्रीट कर दें तो मोस्टली मैंने ये देखा है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये फिंगर इस तरह रह जाती है, और डायबिटिक में भी इसके आने का रिस्क है। कई डायबिटिक पेशेंट जो एल्डरली होते हैं उनमें ये देखा है मैंने कि ये फिंगर नजर आती है, क्योंकि ये जो डायबिटीज है दैट इज अ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, इसमें होता है इन्फ्लेमेशन, इसमें मुख्तलिफ जगहों पे हो रही होती है, ठीक है। अगर तो आप एंटीबायोटिक का ये प्रॉब्लम टीनोसाइनोवाइटिस आया, आपने ट्रेंडली इसको एंटीबायोटिक और एंजेरिक से ट्रीट कर लिया, दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज इन्फेक्शन ऑफ द साइनोवियल शीथ इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन इम्पेयर इवन हैंड फंक्शन। जाहिर है जब फ्लेक्शन हो रही है हर जॉइंट पे तो मूवमेंट तो नहीं हो सकेगी। इन्फेक्शन ऑफ द साइनोवियल शीथ ऑफ द थंब और लिटिल फिंगर मे स्प्रेड रेडली इनटू द पाम एंड इवन इनटू द फोरआर्म फेस ऑफ पेरोनम, ठीक है। अब ये देखें कि अगर लिटिल फिंगर की रेडियल अंदर वर्षा के थ्रू और थंब की जो रेडियल वर्षा के थ्रू वो फोरआर्म में फेस ऑफ पेरोना जो है जिसको हम बोल रहे हैं बार बार उसमें एक्सटेंड हो सकती है अगर अनट्रीटेड इन्फेक्शन होगा, ठीक है। अब ये क्या है, बरसात हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। अभी मैंने आपको दिखाया है कि जो हमारे इंडेक्स मिडल रिंग एंड लिटिल फिंगर वाला जो है वो बनाते हैं वो मिड पाम में और इवन फ्लेक्सर रेटिनेकुलम से भी थोड़ा सा 5 to 7 सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल एक कॉमन साइनोवियल शीथ बनती है जिसको हम अल्नर बरसा कहते हैं, और जो हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है उस साइड पे डिजिटल साइनोवियल शीथ के साथ मिलके वो बनाता है एक इंडिपेंडेंट रेडियल बरसा, ठीक है। द
कॉमन एंड पोलिसल चीज, कॉमन जो मीडियल साइड वाली है और पोलिसल जो थंब वाली चीज है, फ्रीक्वेंटली रेफर टू इन क्लिनिकल राइटिंग एज द अल्नर एंड रेडियल बर्सन. These two sheaths project proximally a short distance above the flexor retinaculum, which is 5 to 7.5 centimeter. They usually communicate with each other in the carpal tunnel. Carpal tunnel में ये दोनों common हो जाते हैं और intercommunicate करते हैं, ठीक है? Infection of the synovial sheath of the thumb or little finger may spread readily into the palm distally and into the forearm proximally. Right? अब सिर्फ हम independent radial bursa की बात करेंगे, ये देखें. ये हमारा उसमें दिखाया हुआ है, ये रेडियल बर्सा है, ठीक है? और ये जो सारा है ये अल्नर बर्सा होगा, राइट? सिनोवियल शीथ ऑफ द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिस इज लॉन्गर, दैट इज रेडियल बर्सा. इट इज सेपरेट और कम्युनिकेट विद कॉमन शीथ बिहाइंड द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम. सुपीरियरली अब एक्सटेंसिव कहाँ होगा? कॉमन शीथ एंड इनफीरियर. कॉमन शीथ जो अल्नर बर्सा वाली है. Inferiorly, it extends up to the distal phalanx of the thumb. Flexor pollicis is longest, head is more synovial sheath that passes into the thumb. Right? This sheath allows the long tendon to move smoothly. आपने देखा है, mid palm तक ये cover कर रही है और distally सारे ulnar हो या radial हो तो वो smoothly run करें, क्योंकि hand की functioning बहुत ज़्यादा है. इसकी हर finger, हर जो thumb है उसका अपना काम है, ठीक है? Synovial sheath of the flexor pollicis is longer, radial bursa communicate with ulnar bursa at the level of the wrist in about 50% of the subject. 50% में communicate करता है, 50% में communicate नहीं करता है, independent होता है. अगर इसका infection हो जाए, infection a patient अगर present करता है infection of the radial bursa, continuation of the tendon sheath of its flexor pollicis is longer, so that any infection inevitably involves both of them. Distal phalanx of the thumb is flexed. क्या हो जाएगा अब इसमें? क्योंकि flexor pollicis involved हुआ है, वो जाके distal phalanx पे लगता है, तो सबसे पहले thumb की जो distal phalanx है वो flex हो जाएगी और rigid हो जाएगी, ठीक है? वो उसको extend नहीं कर सकेगा. दूसरी finger extend होंगी, इससे ये साबित होगा कि ये हमारा रेडियल बर्सा ही हुआ है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ही हुआ है. फिर टेंडर होगा जहाँ पे उसकी शीत है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस की, और जब आप यानी कि हाथ लगाएंगे तो टेंडर होगा. पेन का तो पेशेंट बताएगा मुझे पेन है, टेंडर तब होगा जब आप उसको टच करेंगे तो वो टेंडर होगा, उसको पेन फील होगा पेशेंट को, दिस इज टेंडरनेस एंड यू मे बी एबल. अब इसमें क्या है, क्योंकि ये एक्सटेंड कर जाता है पीछे, तो स्वेलिंग आपको फ्लेक्सर रेटिनेकुलम पे रेडियल साइड पे मिलेगी, ठीक है? अगर ट्रीटमेंट डिले हो जाए तो इन्फेक्शन, ये क्योंकि कम्युनिकेट कर रहा है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम के नीचे, तो इवन ये अल्नर बर्सा में भी चला जाएगा. और इवन इसका ये एक्सटेंट हो सकता है कि अगर अल्नर बर्सा में ना जाए तो अगर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन ही स्लप हो जाएगा और उसका थंब बेकार हो जाएगा, ठीक है? स्मॉल मसल तो एक्ट करेंगे लेकिन ये जो लॉन्ग मसल वो जो है वो एक्ट नहीं करेगा, जो हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस वाला, क्योंकि टेंडन स्लप हो गया, वो जगह से उतर जाएगा. अब हम अल्नर बर्सा की बात करें, इसमें कॉमन फ्लेक्सर्स हैं सारे हमारे सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस वाले, और ये हमारे रिंग फिंगर वाला जो है वो भी इसमें आ रहा है, ठीक है? अल्नर बर्सा में लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द फिंगर्स सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस आर एनक्लोज्ड कॉमन सिनोवियल शीथ डीप टू फ्लेक्सर रेटिनेकुलम. ये मैं छठी दफा बता रही हूँ. अब ये जो शीथ ये जा रही है हमारी, इसकी दो लेयर है, एक पैराइटल लेयर है जो कि टेंडन की शीथ के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है? नहीं, इसकी एक पैराइटल है और एक पैराइटल जो है वो कार्पल टनल में से जब ये गुजरती है तो उसकी जो अंदर वॉल्स हैं उसके साथ अटैच है, और विजिटल लेयर जो भी टनल पास कर रहे हैं उसको कर रहे हैं ताकि थोड़ी सी सेपरेट भी हो और इसकी इजीली मूवमेंट हो सके, ठीक है? फ्रॉम द अरेंजमेंट ऑफ शीट इट अपीयर दैट द सिनोवियल सैक हैज बीन इमेजिनेटेड फ्रॉम द बाय द टेंडन फ्रॉम इट्स लैटरल साइड, ठीक है? ये इसकी जब डिसेक्ट करें तो पता चलता है कि इसने जो टेंडन थे इन्होंने सिनोवियल शीथ को लैटरली इन्वेड किया है, ठीक है? इन हैंड द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस इन्वेजिनेट अ कॉमन सिनोवियल शीथ फ्रॉम द लैटरल साइड. इस तरह से अल्नर बर्सा बन जाते हैं. मीडियल पार्ट जो है वो डिस्टली लिटिल फिंगर में एक्सटेंड कर रहे हैं, और लैटरली जो है लैटरल पार्ट ये मिडल ऑफ द पाम पे स्टॉप हो जाते हैं, और डिस्टल एंड ऑफ द इंडेक्स मिडल एंड राइट फिंगर जो है उनकी अपनी
डिजिटल सिनोवियल शीज हैं अलहदा से, ठीक है। इसका इन्फेक्शन हो जाए तो सीरियस हैंड इन्फेक्शन है, इसमें सारे फ्लेक्सर टेंडन आ रहे हैं और इससे क्या हो जाएगा कि एडिमेटस हो जाएगा पूरा हैंड, उसमें तो थंब हो रहा था ना, फुलनेस हो जाएगी, जो हमारे एक थोड़ा सा गैप है या जो डिप्रेशन है हमारे पाम में वो फुलनेस हो जाएगी, और इवन इमीडिएटली अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम अगर ये कंटिन्यू कर जाता है इन्फेक्शन विद द फोरआर्म फेस ऑफ पेरोनियम, और जो हम फ्लेक्स फिंगर जो हैं वो एक्सटेंड नहीं होंगी, वो रिजिस्ट करेंगी एक्सटेंशन को, पर्टिकुलरली जो नीचे वाली जो लिटल वाली है, ठीक है, और सबसे एंड में जो है वो इंडेक्स वाली जो है उस पर इफेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी देखें स्वेलिंग हो रही है बेशक इंडेक्स मिडल और लिटल फिंगर की डिजिटल सिनोवियल चित्र लगा है, लेकिन टेंडन तो वहीं से पास करके जा रहे हैं, तो जब वो स्वेलिंग होगी पाम में और अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम तो वो कंप्रेस करेगी और ऐसा ऐसा जो मूवमेंट है फिंगर्स की वो हैम्पर हो जाएगी। रेडियल एंड अर्नबर्सा कम्युनिकेट विद वन अनदर, सो इफ वन ऑफ देम इज इन्फेक्टेड देयर आर चांसेस इन्फेक्शन मे फॉलो इन द अदर डे और टू डेज लेटर टू द नेक्स्ट बर्सा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मोस्टली इसमें क्या है कि अर्नबर्सा में इन्फेक्शन है, देखा ये गया कि लिटल फिंगर में कोई इन्फेक्शन हुई वो अनअटेंडेड चली गई और फिर वो जा स्वेलिंग अपीयर होती है फोर आर्म स्पेस में अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और दूसरी स्वेलिंग होती है इन द मिड पाम और कंस्ट्रिक्टेड होती है ये एट द लेवल ऑफ द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, क्योंकि वहाँ पे तो एक्सटेंशन नहीं हो रही ना, तो दो स्वेलिंग बन जाती है, इसको कहते हैं आर ग्लास स्वेलिंग, ठीक है। एक स्वेलिंग पाम में होगी और एक इन द डिस्टल पार्ट ऑफ द फोर आर्म और जॉइंट बाई कंस्ट्रिक्शन इन द रीजन ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसको कंपाउंड पाम और गैंग्लिया इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब अगर स्वेलिंग हो जाएं, ये जो हम बता रहे थे पल्स फेज में हो जाए, तो मैंने कहा था ना लैटरली देना, इस के लैटरली है ये, ठीक है, इंसीजन डिजिटल सिनोवियल शीज जो कि अभी मैंने पढ़ानी उसमें हो, तो हम ये जो फर्स्ट हमारा है इंटरफेलेंजियल जो जॉइंट है लास्ट डिजिटल जो है उसमें देंगे, मिड पामर्स फेज का है तो हम ये थर्ड और फोर्थ वेब में देंगे, ठीक है। थीनार का है तो हम ये जो हमारी फर्स्ट वेब और जो हमारी प्रॉक्सिमल क्लीद है उसमें देंगे, रेडियल बर्सा के लिए जहाँ पे हमारी थीनार ख़त्म हो रही है स्पेस या थीनार जो एमिनेंस है वहाँ देंगे, और जो हमारा अल्नर बर्सा है वहाँ पे जो हमारे लिटिल फिंगर का जो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है और ये वाली क्लीद हमारी है यहाँ पर हम इसको इंसिजन दे देंगे, ठीक है। अब ये स्पेसिस है थीनार स्पेस जो कि जहाँ पे थीनार एमिनेंस एंड हो रहा है वहाँ पे ही खत्म हो रहा है, और उसमें कौन सी चीज़ें जा रही हैं, टेंड देर इज टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, इसमें तो जाता तो इंडेक्स को है लेकिन पास तो करता है ना यहाँ से एंड फॉर फंडस इंडेक्स फिंगर पामर डिजिटल नर्व एंड वेसल जो कि ब्रांचेज इनकी स्मॉलर जा रही हैं थम्स को एंड रेडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ये इसमें हमारी थीनार स्पेस में आ रही हैं। और इसमें स्पेसिस क्या आएंगी, कम्युनिकेट किया काम करेंगी, वेब ऑफ थम जो है इसका डिजिटल पार्ट है और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जो है वो इसका उसका जो रेडियल पार्ट है वो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट हो जाएगा। थिनियर स्पेस लाइज पोस्टीरियर टू द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन टू द इंडेक्स फिंगर एंड इन फ्रंट ऑफ द एडक्टर पॉलिसिस मसल, ये सुपरफिशियल है मतलब जो ये टेंडन वगैरह हैं ये ऊपर पड़े हुए हैं और ये स्पेस डीपर है नीचे है, इवन स्मॉल मसल जो है पॉलिसिस का एडक्टर पॉलिसिस उसके भी नीचे है। अब इसकी बाउंड्री में रेडियल बाउंड्री में क्या आ जाएगा इसका, थीनार एमिनेंस या रेडियल बर्सा, अल्नर साइड पे मिडल मेटा कार्पल जो हमारी है अल्नर बर्सा आ जाएगा, सुपरफिशियली इसकी कार्पल टनल है और डीप इसका या जो इसका वो है वो एडक्टर पॉलिसिस आ जाएगा, ठीक है, इसकी जो बाउंड्रीज है। अब यह कि थीनार स्पेस लाइज जस्ट सुपरफिशियल टू द एडक्टर पॉलिसिस मसल फॉर्मिंग अ प्लेन कनेक्टिंग द डीप एस्पेक्ट्स ऑफ द रेडियल बर्सा एंड द अल्नर बर्सा, यहाँ पे इस लेवल पे एडक्टर पॉलिसिस का जो ट्रांसवर्स हेड है वहाँ के से ऊपर एडक्टर वो जो रेडियल और अल्नर बर्सा कम्युनिकेट कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइंग लिगेंड मे स्प्रेड ट्रांसवर्सली थ्रू द थिनर स्पेस डीप इन द पाम बिटवीन द थंब एंड द कार्पल टनल, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाले ये देखें ये जो पर्पल सा दिखाया है ये इसने हमें दिखाया है कि ये जो है ये स्पेस है और ये यहाँ पे ये स्पेस है और ये यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन दिखाई है।
ठीक है, और ये नीचे इधर कार्पल टनल पे भी आ जाएगी। थिनर स्पेस इज शोन इन पर्पल और मिड पामर स्पेस जो है ये ब्लू में है, इसी लेवल पे मिड पाम में हो जाएगी। ये हमारा रेडियल बर्सा है और ये कौन सा है, ये अल्नर बर्सा है, ठीक है। ये बीच में टेंडर दिखाए हुए हैं, ठीक है। अब जो हमारा थिनर था वो मैंने बताया था, थिनर स्पेस जो है उसको वो सुपरफिशियल है, ये हमारे जो एडक्टर पॉलिसीज है उसका ये ट्रांसफर तैर है ओब्लिक एड उससे सुपरफिशियली पड़ी हुई है। और ये जो हमारी मिड पामर स्पेस है वो इंट्रोशियाए, जो हमारे इंट्रोशियाए कौन से होते हैं, इंटर ओशियाए मीन बिटवीन द बोन्स, इंट्रोशियाए जो है वो हमारे मेटाकार्पल से निकल रहे होते हैं, ठीक है। ये उनके टेंडन है, ये उनकी बेली है और ये उसके ऊपर फेशिया पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मसल तो ये ऊपर जो है हमारी उसकी ये उसका ये फ्लोर है एक हिसाब से। मिड पामर स्पेस जो है मिड पाम में है सेंट्रल पार्ट में। अब इसमें से क्या स्ट्रक्चर पास कर रही है, फ्लेक्सर टेंडन चाहेंगे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, फर्स्ट वाला क्योंकि हमने कितनी हद तक इन फर्स्ट इंडेक्स वाला इंक्लूड कर लिया थिनर में, उसकी जो रेडियल साइड है इसकी टेंडन भी उधर ही आ जाएगा, ठीक है। थर्ड टू फाइव, थर्ड टू फिफ्थ फ्लेक्सर टेंडन विच इंक्लूड बोथ सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडस, टू टू फोर एम्ब्राइकल सुपरफिशियल पामर आर्ट एंड थर्ड टू फिफ्थ डिजिटल वेसल एंड नर्व। जो हमारी फर्स्ट से सेकंड वाली थी वो हमारी रेडियल वो हमारी थिनर में गई थी, ठीक है। अब इसकी कम्युनिकेशन में सब कुटेनियस टिश्यू पड़ा हुआ है वेब्स का, और ये एक्सटेंड कहाँ करती है, डॉर्सल टू कॉमन फ्लेक्सर शीथ, ठीक है। कॉमन फ्लेक्सर शीथ जो है वो वहाँ तक ये कम्युनिकेट करती है। इट लाइज पोस्टीरियर टू लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन इन द मिडल रिंग एंड लिटल फिंगर, और इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द इंट्रोशियाए एंड द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, ठीक है। अब इसकी बाउंड्रीज में एंटीरियरली क्योंकि ये इसके डीप पड़ी है तो फ्लेक्सर टेंडन आ जाएंगे मीडियल थ्री फिंगर्स के साथ में, उनके सिनोवियल शीथ या बर्सा आ जाएगा जो अल्नर वाली साइड है। पोस्टीरियरली मेटाकार्पल बोन्स हैं और साथ ही उनके मसल्स आ जाएंगे। मीडियली इसके है हाइपोथिनार मसल्स, ठीक है। ये जो हमारे हाइपोथिनार वाले मसल्स हैं वो इधर आ जाएंगे। लेटरल है सेप्टम है जो कि इसको थिनार स्पेस से स्पेस सेपरेट करते हैं, इसको लेटरल सेप्टम भी कहते हैं, ठीक है। और डिस्टली ये वेब्स स्पेसिस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है जिसमें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्पेस आएगी, थर्ड और फोर्थ सॉरी अप्रोक्सीमली जो है फोर आर्म स्पेस और पेरोना जो है उसके साथ करेगा, ये देखें, ठीक है। ये हमारा मिड पामर है और ये थिनर स्पेस आ गई, ठीक है। ये जो सारा दिखा रहे हैं ये थिनर है और ये मिड पामर स्पेस है, इसमें तो टेंडन पास कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ डी फेशियल स्पेसिस भी होती हैं और उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिनको क्या कहते हैं डॉर्सल सब एपिन्यूरोटिक स्पेसिस, डॉर्सल सब कुटेनियस स्पेसिस, इनके नाम से ही जाहिर है। और फिर थिनर और मिड पामर वो हमने पढ़ लिए। पाम जो है वो हमारा फिक्स्ड है लेकिन डॉर्सम जो है उस पर हमने देखे स्किन जो है थिन्ड आउट है, तो जो हमारी सबकुटेनियस या स्किन है उसके नीचे जो पड़ा हुआ है वो सबकुटेनियस स्पेस है या सुपरफिशियल स्पेस है, और उससे नीचे जो हमारा स्पेस पड़ी हुई है बोन्स के पीछे या स्ट्रेंथ और टेंडन के पीछे वो है डॉर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस, ठीक है। ये देखें अब यहाँ वो दोबारा दे दिया थिनर स्पेस मिड पामर स्पेस और ये आपस में इंटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉजेज क्या है जो मैंने ये सब कुटेनियस और सब एपोन्यूरोटिक स्पेसिस बताई, इन्फेक्शन की क्या वजह हो सकती है, डायरेक्ट पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा या कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो गया है, कंटीजियस स्प्रेड के एक से दूसरे को इन्फेक्शन फैल गई है या ब्लड के थ्रू मेटोजीनस स्प्रेड होगा, ठीक है। थिनर स्पेस इन्फेक्शन का वो कह रहा है क्रॉस स्पेस इन्फेक्शन ऑफ द थिनर स्पेस, और पेन एंड स्वेलिंग होगी थिनर एमिनेंस की और फर्स्ट वेब की क्योंकि इसमें लेटरल सेप्टम पड़ा हुआ है जो कि इसको मिड पामर स्पेस से सेपरेट करता है। और इसमें सेकेंड वजह ये हो सकती है सिटिनोसाइनोवाइटिस ऑफ द सेकेंड डिजिट विच कैन रप्चर प्रॉक्सिमली, ठीक है। जो रप्चर हो गया इधर लग ऐसे रहा है कि ये है लेकिन एक्चुअली वो टीनोसाइनोवाइटिस है। और इसमें होगा क्या कि थंब जो है वो एबडक्टेड हो जाएगा और फ्लेक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक देंगे, इम्सियन देंगे अलॉन्ग थिनर क्रीज, ठीक है। ये मैंने पहले भी दिखाया था लेकिन देखना है कि स्मॉल डिजिटल नर्व्स एंड वेसल्स हैं इनको आपने वो इन्वॉल्व ना हो जाए, ठीक है। और आप जो फर्स्ट वेब है उस पर डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल इंसियन भी दे सकती हैं फर्स्ट स्पेस में एंटर होने के लिए, ठीक है।
मिड पामर इन्फेक्शन जो है, जो मिड पामर स्पेस का, वो भी क्लोज्ड है, उसमें क्या हो जाएगा कि क्योंकि स्वेलिंग है तो हैंड की जो हमारी एक गैप था या कम कैविटी थी वो ख़त्म हो जाएगी, सेंट्रल पाम में टेंडरनेस पेन होगी और पेन होगी मूवमेंट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ डिजिट की, ठीक है, मिड वाली जॉइंट, और वजह इसकी भी वही हो सकती है टीनोसाइनोवाइटिस ऑफ द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टेंडन की जो शीट है उनसे। ट्रीटमेंट इसका क्या है, एंटीबायोटिक या सर्जरी, ब्लड डाइसेक्शन देंगे उसमें वो पामर फेशिया ऑन आइदर साइड ऑफ द डिजिटोरम का जो जो है हमारा दोनों डिजिटोरम के जो फ्लेक्सर थे उनकी साइड पे, ठीक है। अब डॉर्सल स्पेसिस में क्या आ जाएगा, ये डॉर्सम ऑफ द एंड की बात हो रही है, अब तक हम पाम की बात कर रहे थे। डॉर्सल सबकुटेनियस स्पेस लाइज इमीडिएटली डीप द लूज स्किन ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड। डॉर्सम एपोन्यूरोटिक जो है लाइज बिटवीन द मेटाकार्पल बोन और एंड द एक्सटेंसर टेंडन विच आर यूनाइटेड टू वन अनदर बाय अ थिन एपोन्यूरोसिस, ठीक है। सबकुटेनियस ऊपर है, एपोन्यूरोटिक नीचे है, मेटाकार्पल बोन और एक्सटेंसर टेंडन जो मिलके वो बनाते हैं वो स्पेस है, ठीक है। अब ये आप देखो इसमें ये सारा कुछ दिखाया हुआ है, ठीक है। ये देखें ये कौन सी स्पेस है, ये थिनर स्पेस है हमारी, ठीक है। ये मिड पामर स्पेस है, ये उनके सारे जो स्ट्रक्चर बात करी है वो कंटेंट दिखाए हैं, ठीक है। ये सबकुटेनियस पार्ट है, ये डॉर्सम है ना, ये पाम है, ठीक है। तो ये डॉर्सल सबकुटेनियस स्पेस है, ये जो है ये डॉर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस है, ये हमारे जो टेंडन हैं और जो हमारे मेटाकार्पल हैं उनके नीचे, और ये स्किन के डीप है जो सब कुटेनियस थी, ये हमारे मिड पाम में, और ये इसमें से सारे डिजिटल नर्व और ये जो हमारे सुपरफिशियलिस और जो हमारे प्रोफंडस के टेंडन है वो पास कर रहे हैं। ये इंडेक्स फिंगर का भी है क्योंकि ये हमारे थिनर साइड पे है ना, और ये जो है हमारे फ्लेक्सर टेंडन जो है, ठीक है, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गर जा रहे हैं, राइट। ये हो गया। अब फोर आर्म स्पेस का हमने बड़ा दिक्कत किया, इसका भी हम पढ़ लें। फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना इज अ रेक्टेंगुलर स्पेस सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फोर आर्म जस्ट अबव द रिस्ट इट। अब मैं आपको बताऊंगी ये रेक्टेंगुलर क्यों है। इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पेरोमीटर क्वाड्रेटस का आपने पढ़ा था ना, उसका नाम ही क्वाड्रेटस है कि वो रेक्टेंगुलर शेप में है। डीप इसके पड़ा हुआ है पेरोनेटल क्वाड्रेटस और ऊपर से लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके तो टेंडन बन जाते हैं ना, पीछे से मस्कुलर उनकी बैलीज होती हैं, सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस का ज़्यादा जिक्र हो रहा है, ठीक है। अब इसकी एक्सटेंशन क्या है, सुपीरियरली ये स्पेस कहाँ तक एक्सटेंड करती है, जो ओब्लिक ओरिजन हो रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, ये वहाँ तक ऊपर एक्सटेंड करेगी, इनफीरियरली एक्सटेंड करेगी पहले तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम तक, और अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा है तो फिर ये कम्युनिकेट कर जाएगी मिड पामर स्पेस हमारी के साथ, ठीक है। और प्रॉक्सिमल पार्ट जो है ऑफ द फ्लेक्सर सिनोवियल शीथ, वो हम आपको पता है मैंने दिखाया है कि वो एक्सटेंड कर रहा है और 5 to 7.5 सेंटीमीटर इनटू द फोर आर्म स्पेस, ठीक है। वो जो उनकी कॉमन सिनोवियल शीथ थी जिसको हमने बोला था अल्नर बर्सा बनाया, वो फोर आर्म स्पेस जो है अब ये इन्फेक्टेड हो गई है। इसमें कहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें पहले तो देखें लिटल फिंगर से अल्नर बर्सा में आएगा, अगर हमारी जो सिनोवियल शीथ में टीनोसाइनोवाइटिस हुआ है वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो ये उधर ऊपर अगर पेशेंट बहुत इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उसने ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं लिया, निगलेक्टेड हो गया पेशेंट, तो इसमें ये चांसेस होंगे। अब इसमें पस जो है वो कहाँ नजर आएगी, हमें साइड ऑफ द फोर आर्म पे पसी पॉइंट या बॉयज नजर आएंगे, ठीक है, डिस्टल पार्ट में, और फिर हम लेटरल मार्जिन ऑफ द फोरआर्म पे ही इंसीजन देके ताकि टेंडन और नर्व जो स्मॉल वेसल्स हैं स्ट्रक्चर पास कर रही है, फ्रंट पे दें तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है ना, मीडियन नर्व है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम लेटरल इंसीजन देंगे ताकि वो ओपन हो जाए कंपार्टमेंट और पास ड्रेन हो जाएगी, राइट। मैनी ऑफ द टेंडन एंटरिंग द हैंड आर सराउंडेड बाई सिनोवियल शीथ, द एक्सटेंट ऑफ दी सिनोवियल शीथ ऑफ सर्जिकल इम्पोर्टेंस एज दे कैन बी इन्फेक्टेड, ठीक है। अब हमने टेंडन की बात की थी, अब हम डिजिटल सिनोवियल शीथ की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारे डिजिटल सिनोवियल शीथ हैं इंडेक्स मिडल एंड रिंग फिंगर की, वो सेपरेट हैं, देखा था रेडियल और अनर बर्सा का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो साइड पे फेलिंजिस पे अटैच होती है, ठीक है, और
उसकी दो तीन किस्म की अरेंजमेंट है, वो टाइटली adherent at to the dermis of the skin at the level of diaphysis of the phalanges, lekin jab hamare interphalangeal joints aati hai to that become in a cruciate manner crossing over hoti hai taaki so that there can movement of the flexion and extension at the joint. Agar hamare transverse bands honge to movement would not be possible, right? Synovial sheaths of the second, third and fourth digits are independent and terminate proximally at the level of the head of the metacarpal. आपको पता होना चाहिए head of the metacarpal नीचे होते हैं हमारे digits वाली side पे और जो base होती है उनकी वो ऊपर होती है towards the wrist. ये याद रखना, इसलिए proximally ये at the level of head of the metacarpal पे synovial sheath digital and digits में ही होंगी, इनका हमारे tendons के साथ ताल्लुक नहीं है, ठीक है. The synovial sheath of the little finger is continuous proximally with the ulnar bursa. उस तरह कम्युनिकेट करती है synovial digital synovial sheath little finger की and that of the thumb is the radial bursa. Therefore infection of the little and finger and thumb are more dangerous because they can spread into the arm and even up to the 2.5 cm above the wrist which space of erona में चली जाएगी. The sheath enclose the flexor tendon in the finger. उनकी अपनी सेपरेट भी है और ये उनको भी इंक्लोज करेंगे टेंडन को इन द फिंगर्स एंड लाइन द फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ ऑफ द टेंडन. डिजिटल सिनोवियल शीथ ऑफ लिटिल फिंगर इज कंटीन्यूअस विद अल्नर दैट ऑफ द थंब विद द रेडियल. डिजिटल सिनोवियल शीथ जो इंडेक्स मिडिल और रिंग फिंगर की वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट है, ठीक. अब ये देखें, अब ये आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. ये हमारा अल्नर बर्सा है जो कि फोरआर्म में भी इमेजिनेट हो रहा है और ये कंटीन्यूअस है विद दैट ऑफ द लिटिल फिंगर. ये हमारा रेडियल बर्सा है, दिस इज कंटिन्यूज विद दैट ऑफ द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर और डिजिटल सिनोवियल शीथ ऑफ द थंब. और ये हमारी इंडेक्स मिडिल एंड लिटिल फिंगर की डिजिटल सिनोवियल शीथ है जो कि सेपरेट है, ठीक है. अब एक और मैं आपको ये दिखाऊँ, ये देखें, ये हमारे टेंडन्स आ रहे हैं ना, ये छोटी 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 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट. ये हमारा कौन सा टेंडन है, प्रोफंडस, और ये सुपरफिशियल है जो कि मिडिल फिंगर की दोनों साइड पर लग रहे हैं. अब इन कोर्ट के टर्क के जब मूवमेंट हो, फाइन मूवमेंट्स हो या दूसरी कोर्स मूवमेंट हो, तो इनको एक्स्ट्रा अटैचमेंट देने के लिए हमारे कुदरत ने क्या चीज़ बनाई है, विनकुला ब्रेविया एंड विनकुला लॉन्गा एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द इंसर्शन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज बीइंग असिस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ कंडेंसेशन ऑफ डी फेशिया दैट इज कॉल्ड विनकुला ब्रेविया. और ये टेंडन से स्टार्ट होके तो पेरियोस्टियम ऑफ द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डिस्टल फेलिंग से जा रहे हैं और इसी पे विनकुला लॉन्गा जो है वो हमारे जा रहे हैं मिडल फेलिंग के डिस्टल पार्ट पे, ठीक है. तो ये उसको एडहेरेंट करते हैं, टाइट करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सपोर्ट है. इसी तरह से जो प्रोफंडस का है वहाँ से ये जा रहे हैं जो कि इसको प्रॉक्सिमल फेलिंग, जो प्रॉक्सिमल मिडल एंड डिस्टल फेलिंग थे ना, तो ये प्रॉक्सिमल फेलिंग्स की दोनों साइड्स पे जाके तो ये उसको पेरियोस्टियम के साथ एडहेयर कर रहे हैं, ठीक है. और जो हमारा टेंडन है फ्लेक्सर डिजिटोरम, ये तो था ना प्रोफंडस का, जो सुपरफिशियलिस का है उसको भी एडहेरेंट करने के लिए वो सारे मिडिल फेलिंग्स पे एंड हो जाते हैं. तो ये छोटे छोटे डीप फेशिया के पार्ट्स हैं, दीज आर कॉल्ड विनकुला ब्रेविया, ठीक है. विनकुला लॉन्गा एंड ब्रेविया आर साइनोवियल फोल्ड नहीं है, सॉरी, साइनोवियल फोल्ड विच कनेक्ट द टेंडन टू द फेलिंजिस. और ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं वेसल टू द टेंडन. दीज आर द रेमनेंट्स ऑफ मीजो टेंडन, ठीक है. इनका क्या काम है, मीजेंट्री पढ़ेंगे आप सेकंड ईयर में जीआरटी में तो आपको पता चल जाएगा. ये साइनोवियल फोल्ड हैं और टेंडन जो है ना ये कनेक्ट करते हैं टेंडन को फेलिंजिस से. और ये देखें, अब ब्लड सप्लाई वैसे तो जा रही है छोटे मसल्स को सारा इर्द गिर्द, जो उसकी डिजिटल वैसल्स की ब्रांचेज हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ मूवमेंट बहुत ज़्यादा टेंडन्स की, तो इनको एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई देने के लिए वैसल जो हैं वो इन साइनोवियल फोल्ड के जरिए टेंडन को वैसल जा रही हैं, ठीक है. ये आपने देख लिया. अब ये डी फेशिया का एक कंडेंसेशन है जिसको पामर एपिनोरोसिस कहते हैं. ये हमारे मिड पाम में पड़ा हुआ है, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इट गिव स्ट्रेंथ टू द डर्मिस ऑफ द स्किन. और ये बिल्कुल स्किन को अगर डिसेक्शन करें बिल्कुल नीचे ही पड़ा होता है, ठीक है. वेसल, फार्मर, सुपरफिशियल फार्मर, आर्ट, सारी चीज़ें डीप है.
ये ग्रिप देता है और जो टेंडन है उनको अलाइन रखता है, ठीक है, स्किन को अडेरेंट करता है. दिस टर्म इज ऑफन यूज फॉर द एंटायर डीप फेशी ऑफ द पाम. इट इज बेटर टू रिस्ट्रिक्ट दिस टर्म टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डीप फेशी ऑफ द पाम विच कवर द सुपरफिशियल पामर आर द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन द टर्मिनल पार्ट ऑफ द मीडियन नर्व एंड द सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द अल्नर नर्व. ये जब फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से होके आते हैं तो ये फिर इनको कवर करते हैं. अच्छा, ये ट्राइंगुलर एंड शेप है. जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट है या जो इसका एपिक्स है वो ब्लेंड होता है विद द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम और जो हमारा पामेरिस लॉन्गस है वो भी आके इसका पार्ट बनाते हैं. और जो इसकी बेस है वो हेड ऑफ द मेटाकार्पल पे, इसके मेटाकार्पल का जो डिस्टल पार्ट है वहाँ पे जाके एक इसका सुपरफिशियल पार्ट बनता है, स्ट्रिप बन जाती है सुपरफिशियल और डीप. सुपरफिशियल जाके स्किन जो डर्मिस में जाके लग जाता है इसका पार्ट और जो डीप इसके पार्ट है उसके भी फिर दो इसकी स्लिप बन जाती है, ठीक है, और वो जाके फिर लगती हैं हमारे मेटाकार्पल या वेल्व में जाके और वहाँ से डिजिटल नर्व से वो पास. आप अपना माइक बंद करें. पामर ऑफ न्यूरोसिस इज ट्राइंगुलर इन शेप. एपिक्स इज प्रॉक्सिमल ब्लेंड विद द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड इट कंटिन्यूज विद द टेंडन ऑफ द पामेरिस लॉन्गर. बेस इज डायरेक्टेड डिस्टली. इट डिवाइड इंटू सुपरफिशियल एंड डीप स्ट्रेटा और सेप्टा. Superficial is attached to the dermis. Deep strata or septa divide into pores with opposite the head of the metacarpal of the medial four digits. Palmar aponeurosis का thumb में कोई रोल नहीं है. Thumb में क्योंकि बहुत ज़्यादा मोबाइल है, उसको इतनी ज़्यादा ग्रिप की ज़रूरत नहीं है. Each slip, जो deep slip थी, divide into two parts which are continuous with the fibrous flexor sheath. ठीक है? Extension is की बात करती है टू द डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट. ठीक है, डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट कहाँ पड़ा होता है? जो हमारा मिडल, एक तो हमारा प्रॉक्सिमल सॉरी जो हमारा प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है ना, वहाँ पे डॉर्सली पड़ा होता है डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट. फिर कैप्सूल ऑफ द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड द साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे. ठीक है, जो प्रॉक्सिमल फेलिंग है ना हमारी पहली डिस्टल नहीं, वहाँ की साइड पे जाके ये स्लिप लगती है. डिजिटल वेसल नर्व्स एंड द टेंडन्स ऑफ द शॉर्ट मसल जस्ट लाइक लम्ब्राइकस इमर्ज थ्रू द इंटरवल बिटवीन द स्लिप्स फ्रॉम द लैटरल एंड मीडियल मार्जिन ऑफ द पामर एपिनियोसिस. द लैटरल एंड मीडियल पामर सेप्टा पास बैकवर्ड्स, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं और डिवाइड द पाम इंटू कंपार्टमेंट. ठीक है, ये जो डीप सेप्टा है उसकी बात हो रही है. It fixes the skin of the palm and thus improves the grip. It also protects the underlying tendon, vessels and nerves. ये देखें आप, ये हमारा palmar epineurosis की वो उसने shape दिखाई है. ये इसका apex है, ये flexor retinaculum के ऊपर पड़ा है और इसमें palmaris longus का tendon आके ना इधर लगता है. ठीक है, superficial muscle है ना वो, बहुत नीचे जाके इसकी four slips होती है. एक superficial part है जो कि जाके हमारा dermis में लगेगा. ठीक है, जो डीप है उसके मीडियल लैटरल स्ट्रेटा हो गए और ये यहाँ पे डिजिटल नर्व एंड वेसल्स इसमें से पास कर रही है. ठीक है, और यहीं पे लम्ब्राइकल भी हमारे पास करते हैं. ठीक है, ये सुपरफिशियल या पामर कुटेनियस ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व है इस साइड पे. ये ब्रांच है अल्नर नर्व की जो कि अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम जाती है. ये अल्नर आर्टरी है और ये अल्नर नर्व है. ठीक, अब अगर इसकी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाए हमारे पामर एपिनियोसिस बस आखिरी लाइन, तुम बहुत परेशान हो जाते हो फौरन, माइक बंद करो. इसको कहते हैं ड्यूपिटरिन कॉन्ट्रैक्चर. इससे क्या हो जाएगा, थिकनिंग हो जाएगी और जो है हमारी कुछ फिंगर जो हैं वो उनकी प्रॉक्सिमल फेलिंग पहले और मिडल बाद में फ्लेक्स हो जाएगी. ठीक है, इसमें ये होता है फीचर और इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के एंड पे ये होता है और रिंग फिंगर इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होती है. दिस कंडीशन इज ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्विंग द अल्नर साइड ऑफ द पामर एपिनियोसिस. इन्फ्लेमेशन होती है, एज ए रिजल्ट फाइब्रोसिस हो जाएगी. देयर इज थिकनिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एपिनियोसिस. प्रॉक्सिमल फेलिंग एंड लेटर द मिडल फेलिंग बिकम फ्लेक्स्ड एंड कैन नॉट बी स्ट्रेटेंड. टर्मिनल फेलिंग रिमेन अनइफेक्टिव. द रिंग फिंगर इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व. ठीक है, ये देखें, ये ड्यूपिटरिन कॉन्ट्रैक्चर जो है ये उसकी एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है. ठीक है, ये देखें, इवन टेंडन जो है देखें वो अपेरेंट हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन पामर एपिनियोसिस की ना, कि अल्नर साइड ज़्यादा कॉमन. ये देखें,
ये जो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स है उसके बाद देखिए मिडल भी हो रही है और ये बिल्कुल फोल्ड हो जाएगी, जस्ट लाइक वो ट्रिगर फिंगर है ना वो बन जाती है। अब ये है फाइब्रस शीट जो फिंगर्स की है, मेड अप ऑफ डीप फेशिया ऑफ द फिंगर, फेशिया इज आर्च, ये जो एंड में मैंने कहा था जी क्रॉसिंग ओवर है और सारी ये वो वाला है, फेशिया इज थिक एंड आर्च, इट इज अटैच टू द साइड ऑफ द फेलेंजियस एंड अक्रॉस द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स ऑफ द थंब, वहां तक जाता है ठीक है। प्रॉक्सिमली इट इज कंटिन्यूस विद द स्लिप ऑफ द पामेरी फिमरोसी, फिर क्या है बन जाएगी क्योंकि डीप फेशिया है तो ब्लाइंड ऑसियो फेशियल टनल फॉर्म हो जाएगी जिसमें लॉन्ग प्लेथर टेंडन्स होते हैं डिजिटल सिनोवियल शीट में इनक्लोज हुए हैं। फाइब्रस शीट इज थिक ऑपोजिट द फेलेंजियस एंड थिन ऑपोजिट द जॉइंट्स टू परमिट फ्लेक्शन, द शीट होल्ड द टेंडन इन पोजिशन ड्यूरिंग फ्लेक्शन ऑफ द डिजिट, इसलिए है ताकि टेंडन को होल्ड किया जाए ठीक है। ये देखें अब ये फाइब्रस फ्लेक्चर शीट दिखाई हुई है, ये देखें ये सारा ये साइड पे ये लगी हुई है। अब ये दिखा रहे हैं वो कैप्सूल है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के, ये डिसेक्शन करके उसने पूरा दिखाया है कि ये उसका कैप्सूल है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट का, ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट के कैप्सूल है और ये अटैच हो रहा है फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मिडल फेलिंग्स की लेटरल साइड पे और प्रोफंडस अटैच हो रहा है एट द बेस ऑफ द डिस्टल फेलिंग्स जो है ना वहाँ पे अटैच हो रहा है। ये फाइब्रस फ्लेक्चर शीथ है, ये सारी ना साइड पे अटैच हुई हुई है, ये डीप फेशिया है। अब ये देखिए ये जहाँ पे हमारे मेटाकार्पोफेलेंजियल हो मत करो इंटरफेलेंजियल जॉइंट वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है और जो ऑपोजिट द जो फेलिंग का जो डायफेसिस है उस पे के ट्रांसवर्स फाइबर हैं और यहाँ पे नीचे डीप ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट जो है वो भी इसी का ही पार्ट है और ये ट्रांसवर्स फाइबर हैं ठीक है। अब यहाँ पे ये सुपरफिशियले जा रहा है और ये नीचे से प्रोफंडस जा रहा है ठीक। ये देखिए इसने इसका इंसर्शन भी दिखाया है अगर आपको आपको ये यकीन आ जाए, ये सुपरफिशियलेस है और ये प्रोफंडस है। चले जी लेक्चर खत्म, आप देखें कोई क्वेश्चन आपने करना हो तो बोलें। एनी क्वेश्चन जी? मैम ये जो अल्लर बर्सा और रेडियल बर्सा ये कौन से जॉइंट के जो कैप्सूल है वहां से प्रोट्रूड हुआ है? जॉइंट की तो बच्चे इसमें कोई बात ही नहीं हुई, ये देखें सिनोवियल शीथ है जो कि लैटरली हमारे जो टेंडन हैं सुपरफिशियल है तो प्रोफंडस उनको अनक्लोज करी क्योंकि उनका बहुत काम है एंड में, पता है ना आपको उनके लॉन्गर टेंडन होते हैं, तो ये प्रोट्रूड होता है अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इनटू द फोरआर्म ठीक है। और जो हमारा अल्नर बर्स है दैट इज कंटिन्यूस विद द सिनोवियल शीथ ऑफ द लिटिल फिंगर, तो ये वहां तक जाता है अल्नर बर्स। और जो रेडियल बर्स है वो हमारा जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है उसको अनक्लोज कर रहा है और ये भी है सेपरेट लेकिन बिहाइंड द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये आपस में इंटर कम्युनिकेट कर जाते हैं, इसी वजह से 50% में कम्युनिकेट करते हैं 50% में नहीं करते, ये एक वेरिएबिलिटी है। और इसी वजह से जो इन्फेक्शन हमारे थंब का या लिटिल फिंगर का इनमें होने के भी कॉमन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और बाज़ अवकात एक जगह होता है लेकिन प्रेजेंट दूसरी जगह करता है, तो ये इसकी कम्युनिकेशन को शो करता है। और यह जो हमारे फोर आर्म पेस ऑफ पेरोना है इसमें जाके ये होते हैं इमेजिनेट हो जाते हैं, इनके थोड़ा सा ऊपर हमारे फोर आर्म में जा रहे हैं ठीक है, है हमारे हैंड की स्पेस लेकिन ये रिस्ट से भी ऊपर चली जाती है स्पेस से कम्युनिकेट कर रही है ना आपस में। और कोई क्वेश्चन? ओके मैम, ये क्वेश्चन मैम ये सब बीडी में लिखा हुआ है केएलएम में लिखा हुआ है? बच्चे मैं तो आपको जो बनाती हूँ ये स्नेल से भी होते हैं केएलएम से भी हैं बीडी में भी हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपकी इसके लिए ये इतना एलेबोरेट नहीं था, मैंने मुख्तलिफ बुक से मजीद इसको ऐड किया है ठीक है, तो आप जब खोलेंगे बुक तो आपको पता चल जाएगा ठीक है। बी डी इज़ नॉट अ रेफरेंस बुक लेकिन आप लोगों को बहुत पसंद है तो आप पढ़ें, इसमें बी डी से भी है और बुक से भी है ठीक है, एडवांस बुक से भी है ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच।